आज हमारे साथ हैं कृति राठौड़ जी, फैशन डिजाइनर। मैम आप हमें बताएं, इतने सालों से आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, इतने सेलिब्रिटीज के लिए आपने फैशन कपड़े डिजाइन किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि बहुत ही नए और छोटी शुरुआत करी थी मैंने। एक सेकेंड हैंड मशीन, वो भी इंस्टॉलमेंट पे लेकर के 5,000 रुपए की सेविंग से, अपने घर के काउ शेड से जहाँ पे गाय बांधी जाती थी उसमें एक सेकेंड हैंड मशीन रखी और वहां से शुरुआत करी। और पहला जो शो किया शुरुआत करते ही 2012 में, मुझे मौका मिला सेलिब्रिटीज के कपड़े करने का, विवेक ओबरॉय जी का, फिर अमिताभ बच्चन जी का, और फिर नो लुकिंग बैक रहा। और मैं ये समझती हूँ कि वो समय जो था जिसमें मैंने ना तो कोई फैशन के लिए पढ़ाई करी थी, ना मैंने कोई फैशन क्वालिफिकेशन है मेरे पास, बस मेरा एक अंदर का जो हुनर था, इंटरेस्ट था, उसने मुझे इस फील्ड में आगे आने का मौका दिया। और मेरी डिजाइन्स, मेरे कलर स्कीम्स, मेरी जो स्टाइलिंग थी वो अभिनेताओं को पसंद आई और मैं इस तरह से फैशन इंडस्ट्री में आई। और अभिनेताओं ने के लिए आपने वो भी बताया, और कितने साल हो गए आपको करते? बहुत सारी मूवीज के लिए किया, जैसे अब तो मुझे लगता है मैं नाम भी भूल गई हूँ। मटरू की बिजली के लिए किया, फिर मुन्ना माइकल के लिए किया, फिर बोल बच्चन के लिए थोड़े से हमने उनके कुर्ते किए, और तेरा इंतजार के लिए किया, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए जिसमें बहुत सारे मीत ब्रदर्स के लिए मैंने म्यूजिक वीडियोस के लिए स्टाइलिंग एंड कॉस्ट्यूम्स किए। तो मतलब लिस्ट इज नेवर एंडिंग, श्रीदेवी जी से लेकर के, अमिताभ बच्चन जी से लेकर के, जब ये दो बड़े नाम आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि सब वहीं थम जाता है, एक तरह से कारवां आगे बढ़ता चला जाता है, थम नहीं जाता है, मैं कहती हूँ कारवां बढ़ता चला जाता है, और वो कारवां बढ़ता चला गया। और मैं इस चीज के लिए अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जहां वो एक इंसान जो बिल्कुल भी उसने कोई फैशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई फैशन बैकग्राउंड नहीं था, कोई फैशन गॉडफादर नहीं था, उसको इंडस्ट्री का, बॉलीवुड इंडस्ट्री का इतना प्यार और सम्मान जब मिला तो वो मेरा कारवा आगे बढ़ता चला गया। विवेक ओबरॉय जी ने मेरी बहुत मदद करी, उन्होंने जब मैं बिल्कुल रॉ थी, जब मैं बिल्कुल भी मैं फैशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उन्होंने मुझ पे अपना विश्वास जताया और मेरे फैशन शो पे, जो कि पहला फैशन शो था, उस पे उन्होंने वॉक करना एज अ शो स्टॉपर चुना। मैम एक बात बताएं, आप फैशन डिजाइनर से और फिर बाद में सीधे आप पॉलिटिक्स में कैसे आ रहे हैं आप? मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि मैंने टॉप लेवल के शोज कर लिए, टॉप लेवल की कंट्रीज देख ली, टॉप लेवल के इंटरनेशनल शोज, इंटरनेशनल इवेंट्स कर लिए, टॉप लेवल के सेलिब्रिटीज कर लिए, पर सोल सेटिस्फैक्शन में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। और वो कमी मुझे लगता है जब मैंने जन सेवा, समाज सेवा करनी शुरू करी और जो वहां से फीडबैक आया महिलाओं का, बच्चियों का, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये सोल सेटिस्फैक्शन मेरे काम से ज्यादा मुझे अंदरूनी एक संतुष्टि देता है। बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि जब आप समाज सेवा करते हैं तो वो एक लिमिटेड स्तर तक रह जाती है, पर जब आप पॉलिटिक्स में उतरते हैं, जब आपके पास एक पायदान होता है, जब आप एक एक प्लेटफॉर्म पे होते हो, तो आप वही समाज सेवा एक सुचारू रूप से बड़े उस पे प्लेटफॉर्म पे कर पाते हैं। तो यही रीजन था कि समाज सेवा करने का सबसे अच्छा, जन सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं पॉलिटिक्स में उतरूं। पॉलिटिक्स में तो आपको क्या लगता है आगे, मतलब आप जैसे कि आप सिविल लाइन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आने वाले, अगर आप, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां, अगर आप जीत भी जाते हैं तो आने वाले 5 साल बाद क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो जो सिविल लाइन एरिया है जहां पे महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है, ऐसे पॉश इलाके में होते हुए भी उन महिलाओं और बच्चियों के लिए स्पेशल सेल और स्पेशल हेल्पलाइंस बनाऊंगी जो कि 24 घंटे नहीं, इमिजिएटली आपको हेल्प पहुंचाएगी। लोग कहते हैं 24 घंटे के अंदर हम इमिजिएटली हेल्प पहुंचाएंगे। दूसरा, यहाँ का जो युवा है, एक ऐसा हब बन गया है यहाँ पे सिविल लाइंस एरिया में जहाँ पे अनैतिक रूप से कैफेज, क्लब्स, पब्स और बार्स खुले हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बिजनेस ना करें, पर उस बिजनेस में आप युवाओं को नशे की ओर ना धकेलें।
सबसे पहले मैं वो नशा मुक्ति इलाका अपने सिविल लाइंस को बनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ का युवा बहुत भोला है। मैं नहीं चाहती कि पंजाब की तर्ज पे हमारा राजस्थान का युवा एक नशे का आदि हो जाए और पथ भ्रमित हो जाए, क्योंकि राजस्थान का युवा बहुत टैलेंटेड है। आप देखेंगे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मोस्टली टैलेंटेड एक्टर्स ले लीजिए, लिरिसिस्ट ले लीजिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स ले लीजिए, प्रोड्यूसर्स ले लीजिए, बहुत सारे यहाँ राजस्थान से हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारा युवा उस ओर जाए, कला की ओर जाए, शिक्षित वर्ग की ओर जाए और नशे और इन सब चीजों से दूर रहे, जो कि उसे इस माहौल में आजकल देखने को मिल रहा है। आप देखिए राजस्थान में बाहर से, जयपुर में बाहर से, दिल्ली और आसपास के शहरों से लोग आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये पीसफुल एरिया है, यहाँ पे हम अपना इजीली युवाओं को भटका सकते हैं, इजीली यहाँ का युवा हमारे उस ड्रग के नशे में और चरस, अफीम, व्हाटएवर, देयर आर मेनी थिंग्स, वाइट पाउडर, जिसमें आज का युवा हमारा यहाँ पे पथ भ्रमित हो रहा है, उस सब पे मैं रोक लगाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कृति राठौड़ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।